जोहार, आज रांची की एक ऐसी इंस्पिरेशनल स्टोरी आपको बताने वाले हैं जिसको सुन के आपको बेहद ही अच्छा अनुभव होगा। दरअसल रांची और पूरे झारखंड में युवा जो हैं समय समय पर रोजगार की बातें करते हैं, आंदोलन भी करते हैं, लेकिन मेरे सामने एक शख्स मौजूद हैं, इनका नाम हम लोग प्यार से तमंग बोलते हैं, पूरा नाम क्या है इन्हीं से जानेंगे। और इनकी खासियत ये है कि ये नेशनल फुटबॉल प्लेयर रह चुके हैं, उसके बाद संघर्ष हुआ, कहानी कुछ डिफरेंट हुई, फुटबॉल छोड़ना पड़ा, रांची आए, संघर्ष इन्होंने नहीं छोड़ा। एक छोटा सा मोमोज के स्टॉल से इन्होंने शुरुआत की, क्योंकि मोमोज इनको बनाना आता था, और धीरे धीरे एक से दो हुआ, दो से तीन हुआ, तीन से चार मोमोज स्टॉल हुआ, और अंततः आज रांची के बरियातु विशाल मेगा मार्ट के पास इनका तमंग मोमोज करके एक अच्छा बड़ा और कहें तो बेहद खूबसूरत इन्होंने रेस्टोरों खोला है। बात करेंगे, सबसे पहले तो खूब खूब बधाई आपको कि एक से सीधे पाँच और काफ़ी अच्छा आपका बिजनेस ग्रो किया है। ये सब मैं तो सबसे थैंक यू बोलना चाहता हूँ, ये सब कस्टमर का देने मैं तो खुश नहीं। जैसे हम लोग मोमोज तो पहले से बनाते और प्रॉपर रांची में जैसे नए कॉन्सेप्ट में कुछ जैसे मोमोज का आइटम, और जैसे अब मैं फुटबॉल टाइप से और ये बिजनेस लाइन में थोड़ा संघर्ष करके आया अभी, मतलब यहाँ पे लगभग ये पाँच छः जगह हो गए लगभग, ये ऑफिशियली पाँच डेकोरेशन करके एक रेस्टोरेंट खोला है, और इसमें तो सब लोग कस्टमर का देने, मैं तो कुछ नहीं, मैं तो मतलब मेन चीज़ आप लोगों की वजह से यहाँ तक हूँ मैं, कस्टमर के वजह से हैं। देखिए, एक अच्छे बिजनेसमैन की निशानी यही होती है कि जब भी वो सफल होते हैं वो अपना श्रेय जो है हमेशा कस्टमर को देते हैं, और तमंग भी जो है श्रेय कस्टमर को दे रहे हैं। और इनका आज का ये जो जो ओपनिंग हुआ है नया रेस्टोरेंट, इसके ठीक अपोजिट में इनका छोटा सा एक स्टॉल भी लगा हुआ है, संभवतः वो आपका पहला एक्चुअली 3 साल पहले जब मैं रांची में घुस गया था, जो फर्स्ट जो मेरा स्टॉल है वही से मैं उड़ के अभी मतलब 4-5 जगह लगा रहे हैं, वही ठेला से अभी मतलब धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। इसमें तो मतलब ये सब लोग जैसे हो गया मतलब तमंग, मतलब अभी तो लोगों को भरोसा है कि तमंग सही खिलाते हैं, सामान ठीक है। नाम क्या है आपका? मेरा पूरा नाम पवन तमंग है, पवन तमंग। प्रॉपर मैं नेपाल से हूँ। नेपाल से तो नेशनल भी नेपाल से ही खेले? हाँ, नेपाल से मैं नेशनल अंडर 19 खेला था, इससे 5 साल पहले। तो फिर कुछ मजबूरी आ गई, फिर खेल छोड़ के फिर इधर आ गए क्या? वही है, थोड़ा फैमिली में थोड़ा जिम्मेवारी पड़ गया और इसीलिए बैकअप लिए सोचना पड़ा और बिजनेस मजबूरी में रोजना पड़ा, और अभी सब लोग के चलते ये बढ़िया भी चल रहा है और कुछ ही कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ अभी तो मैं कुछ नहीं, अब मतलब धीरे धीरे सीख के आगे बढ़ रहा हूँ, अभी बाकी समय बाकी और है। तो कितनी खुशी हो रही है सामने छोटा सा स्टॉल जिसे शुरुआत किए थे आज फिर इतना बड़ा रेस्टोरेंट, खुशी तो हो रही होगी? हाँ, बहुत खुशी है इसमें तो, क्योंकि शुरू में जो मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था जब पहले शुरू में बनाया था, जैसे मैं बस छोटा सा काउंटर खोल लेंगे बस अपना धंधा चलाएंगे सोचा, लेकिन अभी इतना हो गया ना, मतलब मैं अभी सब जगह से फ्रेंचाइजी आ रहे हैं, और जैसे मैं प्रॉपर ये चाहता हूँ जैसे आप लोग खाना और मैं खाना जो एक कंपेयर रहता है ना, वो कंपेयर करके बनाता हूँ दिल से, वही चीज़ आप लोग का व्यवहार की वजह से, और मेन चीज़ और यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो थोड़ा सा मतलब अभी तमंग को भरोसा ही मतलब चलता है ना, इसीलिए भी। क्या क्या यहाँ दे रहे हैं डिश लोगों के लिए? अभी तो यहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा डिश है, लगभग मोमोज का 10-12 आइटम मिल जाएगा, चिल्ली, अफगानी, कुरकुरे और पैन फ्राइड, बटर मोमो मिल जाएगा यहाँ पे, और प्रॉपर नेपाल का झोल मोमो भी मिल जाएगा यहाँ पे, और हम लोग यहाँ पे बिरयानी भी दे रहे हैं, फ्राइड राइस, चिली चाउमीन दे रही गई, और उससे अलावा नया डिश कोरियन फूड भी लॉन्च कर रहे हैं हम, जैसे मतलब लोगों को थोड़ा सा यूनिक ज़रूरत है ना लोगों को, और ये भीड़ भी काफ़ी अच्छे है, और लोगों को मेरे पहचानते भी है, मतलब पूरा जहाँ से उड़ के यहाँ पे मैं धीरे धीरे आगे बढ़ने की जगह यही है ना, इसीलिए लोगों का मतलब यहाँ पे भीड़ भाड़ भी माहौल भी बढ़िया रहते हैं, इसलिए अभी थोड़ा सा नया कंसेप्ट करके आगे बढ़ने के लिए सोच रहा हूँ। देखिए, हिम्मत हारना नहीं है, आज देखिए नेशनल फुटबॉल प्लेयर थे, खेल छूटा लेकिन आगे बढ़ने की ललक नहीं छूटी, और आज इस मुकाम तक पहुँचे हैं कि अब तमंग की फ्रेंचाइजी की डिमांड हो रही है, क्या फ्रेंचाइजी देने वाले हैं अब आप? हाँ, फ्रेंचाइजी तो जैसे अभी तो लगभग इंडिया तो काफ़ी बड़ा है नेपाल से तो 22 गुना बड़ा है, जैसे रांची भी तो बहुत मतलब प्रॉपर रांची भी अभी मतलब लगभग धीरे धीरे आधा रांची मतलब लगभग फैल गया है, अगर हो सके तो फ्यूचर में सोच रहे हैं अगर फ्रेंचाइजी देने के लिए हम लोग, तो फ्रेंचाइजी वालों को पूरा सपोर्ट करेंगे, बताएंगे किस तरह से आपका वो डिश है कैसे बनाते हैं, पूरा की पॉइंट्स उसको देंगे? हाँ, उसको जैसे एक कॉन्सेप्ट करके उसको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर में बात करके उसको कैसे कैसे करना है हम लोग को सिस्टम से बता देंगे उसको। तो
तो देखिए यही वो स्टोरी थी और संभवतः आपको ये स्टोरी सुन के काफ़ी देख के भी काफ़ी अच्छा लगा होगा। और जो लोग हौसला छोड़ देते हैं और कहीं ना कहीं अपने छोटी सी मुश्किलों से जो है पीछे हटने की सोचते हैं, ये स्टोरी उनको आगे बढ़ाने में प्रेरित करेगा। बाकी तमांग जी का अगर आपने मोमोज खाया है तो कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि इनके मोमोज कैसे लगते हैं आपको। और फ्रेंचाइजी भी आप दे रहे हैं तो इनका कॉन्टैक्ट नंबर हम वीडियो में छोड़े जाएंगे, जो लोगों को भी इनकी फ्रेंचाइजी लेनी हो वो भी कंसल्ट कर सकते हैं। शुक्रिया।